హైదరాబాద్ కార్వాన్ నియోజకవర్గం టోలీచౌకీ క్రాస్ రోడ్ వద్ద సోమవారం టీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ఎండీ అజీం మరియు జాఫర్ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ, కార్వాన్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ జీవన్ సింగ్, నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ये पार्टी आवाम के वेलफेयर के लिए बनाई गई थी. आनेबल सीएम साहब ने 14 साल तेलंगाना के लिए ब्राह्मण मूवमेंट चलाते हुए तेलंगाना हासिल किए. हासिल करने के बाद सीएम साहब उसे डेवलप करने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं. और हमारे सीएम साहब सारे हिंदुस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर साहब का सर्वे हुआ तो नंबर वन सीएम केसीआर साहब करा दिया. और सीएम साहब जो वेलफेयर स्कीम ला रहे हैं वो हिंदुस्तान में सिर्फ तेलंगाना नंबर वन स्टेट है जहाँ पर वेलफेयर स्कीम हो रहे हैं. तेलंगाना में जितने SC ST BC और माइनॉरिटीज है उन तमाम बच्चों की शादी की जिम्मेदारी आनेबल सीएम साहब की है, खासतौर पर माइनॉरिटीज के. अभी हमारे 3 साल मुकम्मिल नहीं हुए, हम 70,000 बहनों की शादी करा खुलकर काम कर सकते हैं. आज ये पार्टी जो है सारे हिंदुस्तान में, जब एक बार मैं आज से 2 महीने पहले दिल्ली गया था, राजनाथ सिंह साहब से मुलाकात थी, मेरे साथ हीटर राइजर साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, जब हमसे मिलने के बाद उन्होंने एक ही बात कही, तेलंगाना स्टेट का जहाँ भी नाम आता है तो वो स्टेट वेलफेयर स्टेट का नाम आता है. आज 35,000 करोड़ रुपए हमारे सीएम साहब वेलफेयर पर खर्चा करते हैं. पहले कांग्रेस 200 रुपए आसरा स्कीम में देती थी सालाना पेंशन, सीएम साहब ने उसे 1,000 किया. हैंडीकैप लोगों को 500 देते थे, 1,500 किए. सारे आंध्र प्रदेश में उस जमाने में 32 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता था, अब खाली तेलंगाना के अंदर 47 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा है. वो पेंशन से बहुत से लोगों को आसरा मिल रहा है, जो अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप कलेक्टर ऑफिस जाइए, सरल उन्हें मिलेगा, क्योंकि स्कीम जो है अनेक को फायदा पहुंचाने का हक है. अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम, सरल आपके लिए हमारी जो मदद की जरूरत पड़ेगी तो जीवन सिंह साहब है मदद करने के लिए, और मैं खुद भी हूँ. ऐसी बात नहीं है कि अगर डॉक्यूमेंट बराबर नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तकलीफ होती है.